अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और भाई जान खैरियत से होंगे। तो यार आज मेरे पूरे 4 दिन बाद वीडियो आ रही है भाई जान व्लॉग, या 4 या 5 दिन बाद भाई जान आज मेरी वीडियो आ रही है। और इसका यार क्या करूँ, स्कैम हो गया था मेरे साथ। बस अब मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ स्कैम। तो यार वेलकम बैक हो गया आपका हमारी अंदर वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल बबलू व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी स्पीड से यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर यार हमारा चैनल 500 के करीब सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और भाई जान मैं आपसे ये कहने लगा था कि 4 दिन व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि यार मेरे साथ हो गया था स्कैम। मैंने लेना था आईफोन, और काफ़ी लोग कमेंट्स में कह भी रहे थे आपका ना जो मोबाइल है वो हिलता बहुत है तो कैमरा इम्प्रूव करें, तो इसलिए ना मैंने लेना था आईफोन। तो मार्केट में रेट पता किया तो 45 से 46 या 50 तक भी जा रहा था पीटीए। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा एक बार ओएलएक्स पे भी दे लेते, क्या पता कोई सस्ता मिल जाए। मैंने देखा थोड़ा सा, यानी कि तकरीबन 15 से 20 मिनट में ओएलएक्स पे देखा, वहाँ मुझे एक मिल गया iPhone 7 Plus, मिल गया 26,500 का, 26,500 का मिल गया। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने उसे कॉल की, मैं जो स्कैमर है ना मैं उसे कॉल की, तो उसने क्या किया, कहता है बिल्कुल ऐसे बोला जैसे मोबाइल वाला नहीं होता असल मोबाइल वाली दुकान वाला वैसा था। तो मैंने उससे सारा कुछ पूछा है, कितने का, 128 GB, PTO अप्रूव ऑफिशियल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यार मैंने उससे पूछा आप हो किस शहर से, और वहाँ लिखा था मुल्तान की लोकेशन का ही था। तो ओएलएक्स पे फिर भी मैंने पूछा कहाँ से हो, कहता मैं साहिवाल से हूँ। मैंने कहा लोकेशन आपकी मुल्तान की, कहता नहीं हमारा होल सेल रेट है, 1 महीना में अलग अलग, यानी कि हर शहर में एक एक महीना हम होल सेल रेट बेचते हैं। अभी हम साहिवाल है और होम डिलीवरी भी मौजूद है भाई, यहाँ TCS करवा सकते हैं। तो पहले तो मैं माना ही नहीं, उनने इतने प्यार से बात की, ऐसे ऐसे कहा कि भाई यार मैं आपको शनाख्ती कार्ड बेचता हूँ, ये देता हूँ वो देता हूँ, और मैं मान गया। उन्होंने कहा आप 2,000 रुपये एडवांस पेमेंट सेंड कर दो, मैं आपके शनाख्ती कार्ड वगैरह आपका TCS पैक कर दूँ बकाया, फिर बाद में मैं आप जैसे मोबाइल रिसीव होगा मैं दे दूँगा आपको। तो होया गया, मैंने उसे 2,000 सेंड कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने हमें वीडियो बना के भेजी, फेक वीडियो किसी और की थी, और उनने ऊपर वॉइस ओवर किया था कि अली हमजा देखे आपका ये पैक हो गया, ये हो गया वो हो गया, बस आप आ रहे। तो उन्होंने TCS की रसीद भी साथ भेज दी, फेक बना के खुद भेज दी। तो मैंने क्या किया, मुझे सही लग गई। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर कहने लग गया आप हाफ पेमेंट कर दें, यानी कि 26,000 था ना आप 10,000 और दे दें, और मैं ना फिर यानी कि आपको रसीद दे दूँ, यानी कि जो होती नहीं है फाइनल, यानी कि जिससे मोबाइल परचेज करते हैं और वो रसीद बना के देते हैं कि हमसे परचेज़ किया वो। मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो TCS हो गया, अब कोई फेक वगैरह नहीं होगा। मैंने उसे वो भी पैसे सेंड कर दिए। वो ऐसे करते करते वो कहता 7,000 और दे दो आपका, ये क्या कहते हैं डिलीवरी TCS आए जल्दी आ जाएगा। मैंने तो अब भी दे दिया 7,000 भी दे दिया, फिर बाद में जैसे सारी की सारी रकम भी दे दी मैं उसे, सारे के सारे पैसे दे दिए। तो फिर बाद में कहता 3,000 और दो, 2,000 कमीशन और 1,000 TCS का। मैंने कहा हमने पहले बताया ही नहीं, कहता हम कमीशन पे काम करते हैं, देना है तो दो वरना रहने दो। तो मैंने वो भी दे दिए। फिर बाद में दोबारा एक बार कहा कि ना जैसे मैं पैसे दे के आया कॉल करके, कहता पैसे मुझे मिल गए, आप 3,000 और सेंड कर लो OLX की एड का, OLX की एड का सिर्फ 300 रुपये, और वो भी हम क्यों दें, जिससे खरीदे वही लगाएगा ना एड। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, घर वाले बेइज्जती करेंगे। तो फिर क्या आया, मैंने यार मैं सही नहीं लगा, मैं घर वालों को बताया तो वो गुस्सा हुआ मुझे। तो वो भाईजान मुझ पर गुस्सा हो रहा है कि ये क्या कर दिया, आपको अकल नहीं है, ये है वो है, तो मेरी बेइज्जती होने लग गई। फिर ना यार हमारे रिलेटिव है वहाँ, यहीं पर हमारे पास रहते हैं, तो हमने उन्हें कॉल की, हमने कहा ये मसला हुआ। तो वो कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, इसे मैं सेट कर देता हूँ। उन्हें साहिवाल के वो ये पुलिस में ही है, पुलिस में पता नहीं कोई DSP ऐसा कुछ है। तो उन्होंने ना साहिवाल के पुलिस अफसर को फ़ोन कर दिया कि ये मसला बने। तो साहिवाल भाईजान वहाँ 2 दिन के अंदर बंदा पकड़ दिया, सारा फेक था भाईजान। बंदा आवाज़ उसकी ऐसी ऐसे कर रहा था जैसे MA उसने की है,
फिर क्या, मैं हमने जब तस्वीर देखी जो चपड़ासी काला भाई जान जैसे मांगने वाला नहीं होता वैसे था, और मैं परेशान यार ऐसा लगा बोल ऐसे रहा था होल्ड में रखता हूँ ये है वो है। तो उसे फिर हमने पकड़ा है, उससे सारे पैसे वसूल किए, और फिर ना 2-3 दिन मोबाइल तो मेरा था वो मोबाइल भी मैं बेच दिया था, वो मोबाइल बेच के फिर उसके पैसे भेजे थे। मैं बड़ा डर गया, फिर मोबाइल मिला सारा कुछ है, तो वो पैसे जैसे मिले मैं दो मोबाइल लेने गया, मैं मार्केट गया, 1 महीना मोबाइल चला था एक Redmi i8 1 महीना चला था, तो वो मैं परचेज़ कर लिया। वो परचेज़ किया तो मैं जब घर लेके आया उसे, उसकी तो बैटरी फ़ौरन गिरी जा रही है ऐसे, एक मिनट के अंदर चार चार पाँच पाँच सेल। मैं फ़ौरन गया एक दिन, फिर तब भी मैं व्लॉग बनाया था वो भी मेरा ज़ाया हो गया। फिर मैं दोबारा यार गया, उसके बाद आज लेके आया हूँ Huawei 9 Prime। यार ये डब्बा बैंक मोबाइल है, Huawei 9 Prime लेके आया हूँ यार, इसका कैमरा भी अच्छा है और रिजल्ट स्टेबलाइजर भी सही है। सो ये थी यार हमारी कहानी, जैसे iPhone 7 से यहाँ तक पहुँचे। मैं तो अब कह रहा हूँ मैं iPhone लेना ही नहीं है, iPhone नहीं लेना, अब एंड्रॉयड पे अभी गुजारा करते हैं। तो अब मैं एंड्रॉयड से वीडियो बना रहा हूँ, और इसका कैमरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हिलता भी नहीं है जैसे पहले वीडियो में हिलता था, मुझे कैपकट में जाकर एडिटिंग करनी पड़ती थी, बड़ा टाइम खर्च हो जाता था, तो ये मसला बन रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सेट कर दिया, मैं तो फिर मैं ये मोबाइल लेके आया, कल रात लेके आया हूँ, आज टिकटॉक वगैरह बनाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है इसका Huawei 9 Prime का। तो अब से भैया ना आपको मेरी डेली व्लॉगिंग मिला करेगी। आपको मैं एक बात बतानी थी, आप यार मेरे टिकटॉक पे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि आप रिप्लाई नहीं करते ये नहीं। तो यार ये महीना चल रहा है जुलाई का, तो आज शायद 10 तारीख है, हाँ 10 तारीख है। तो जैसे यार आप मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी का अपना लिंक दूंगा, आप वहाँ मुझसे आके DM कर सकते हैं, मुझसे जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, और मैं उसका लाजमी से रिप्लाई करूँगा। बस शर्त ये है कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जुलाई के महीने में, 20 दिन पड़े हैं भैया, 20 दिन, 20 दिन के अंदर हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो वीडियो भी पूरी देखनी है। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, DM आपसे करूँगा मैं, और सारा जवाब भी दूंगा, बकायदा जवाब भी दूंगा, कॉल पे भी बात कर लेंगे, इसमें कोई नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो यार गर्मी भी बहुत है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी स्कैमर से बचे हमेशा भाईजान, ऑफलाइन मार्केट से चीज़ लेनी, कोई भी ऑनलाइन चीज़ नहीं, मेरी तो तौबा, आज के बाद दराज से भी कोई चीज़ नहीं मंगवानी ना, बंदा पकड़ा गया, पैसे शुक्र है मिल गए सारा कुछ। तो यार यहाँ मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग को एंड, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल बबलू व्लॉग्स जो है उसको सब्सक्राइब लास्ट भी कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।